नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं हिमांशु चोबिसा, एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगली क्लास में हमारे मृदा गठन का एक टॉपिक रह गया था, उसका महत्व मृदा गठन का, उससे आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मृदा कणाकर उचित होने पर कृषि कार्य ठीक प्रकार से होते हैं। यदि मृदा कणाकर ठीक प्रकार से होगा, उचित होने पर सभी कृषि कार्य हम आसानी से और ठीक प्रकार से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा कणाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और फसलों को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा में उपयुक्त नमी रहती है। और नेक्स्ट है, उचित वायु संचार होता है, उचित मृदा ताप रहता है, मृदा मुलायम एवं भुरभुरी बनी रहती है, जल धारण क्षमता अच्छी रहती है। मृदा में उपस्थित प्राथमिक कण बालू, सिल्ट एवं मृतिका होते हैं। वो बालू, सिल्ट, मृतिका होते हैं। प्राकृतिक रूप से संयुक्त होकर एक प्राथमिक समुच्चय का निर्माण करते हैं। ये बालू, सिल्ट एवं मृतिका मिलकर इन प्राथमिक कणों और समुच्चयों की किसी प्रतिरूप से व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। ये जो कण है तीनों, बालू, सिल्ट और मृतिका, ये समुच्चयों का निर्माण करते हैं और किसी प्रतिरूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मृदा संरचना कहते हैं। प्राकृतिक रूप से बने पुंज को ढीला कहते हैं। नेक्स्ट है, मृदा संरचना। इस क्लास का न्यू टॉपिक, मृदा कणों के व्यवस्थापन को मृदा संरचना कहते हैं। जो मृदा कणों की जो व्यवस्था होती है उसे मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना के निम्नलिखित प्रमुख चार प्रकार हैं। पहला है गोलाकार, दूसरा है खंड सदृश, तीसरा है त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय, और चौथा है प्लेट सदृश। ये मृदा कणाकार के संरचना के चार प्रकार हैं। और गोलाकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, कणीय और मृदुकणीय। खंड सदृश को दो भागों में विभाजित किया गया है, कोणित खंडीय, उपकोणित खंडीय। त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रिज्मीय या स्तंभी, और प्लेट सदृश को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्तरीय और प्लेटी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है गोलाकार संरचना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस संरचना में सभी पैड्स इंग्लिश में कहते हैं, कणपुंज को इंग्लिश में पैड्स कहते हैं, गोलाकार रूप में होते हैं ये। सेकंड पॉइंट है, कण समूह के फलक वक्रित अनियमित होते हैं और सभी अक्षों की लंबाई समान होती है। जो कण समूह के जो फलक होते हैं वो वक्रित अनियमित और सभी अक्षों की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलाकार संरचना को उनकी सरंध्रता के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है, कणीय और मृदुकणीय। तो पहले कणीय को जान लेते हैं। इनके पेड़ कम रंध्रीय होते हैं। जो कणपुंज होते हैं वो कम रंध्रीय होते हैं, इनमें पोर स्पेस कम पाए जाते हैं। कण संरचना अनेक प्राथमिक कणों से बनती है और पेड्स
जो कर्णपुंजों की जो आकार होता है वो 1 से 10 मिलीमीटर होता है। कण संरचना अनेक प्राथमिक कणों से बनती है और पेड़ के जो आकार होता है वो 1 से 10 मिलीमीटर होता है। जिन मृदाओं में अधिक जीवांश पदार्थ होते हैं उनमें यह संरचना पाई जाती है। जिन मृदाओं में अधिक जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं उन मृदाओं में यह संरचना पाई जाती है, कणियाँ। सेकेंड है मृदुकणियाँ। इसके पेड्स की लंबाई 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं और पेड्स में अधिक रंध्र होने के कारण सरलता से टूट जाते हैं। पेड्स की लंबाई 1 से 5 मिलीमीटर और पेड्स में अधिक रंध्र होने के कारण ये कण सरलता से टूट जाते हैं। ये रहा, इसके पेड्स 1 से 5 मिलीमीटर आकार के होते हैं, पेड्स में अधिक रंध्र होने के कारण सरलता से टूट जाते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है इसमें। और ब है अब खंड सदृश ब्लॉकी। इस संरचना में कण घनाकार में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात पेड्स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अक्षों में समान होती है। संरचना को उनके कोणों की संरचना एवं दृढ़ता के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहली बात तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कर्णपुंज की तीनों अक्षों में समान होती है और इस संरचना में कण घनाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। फर्स्ट है इसमें इस संरचना में कर्णपुंज के फलक, चपटे कोण व भुजाएं समुचित विकसित एवं तेज कोणीय होती हैं। जो कर्णपुंज होते हैं उनके फलक, चपटे कोण व भुजाएं समुचित विकसित एवं तेज कोणीय होते हैं तथा 5 से 50 मिलीमीटर आकार के होते हैं। नेक्स्ट है उपकोणित खंडीय, सेकंड सब एंगुलर ब्लॉकी। इसमें कोण व भुजाएं टूट फूट कर घिस जाती हैं और पेड़ मिश्रित गोलाकार रूप में आ जाता है। जो इसमें कोण व जो भुजाएं होती है वो टूट फूट कर घिस जाती है और मिश्रित होकर पेड़ जैसे गोलाकार रूप में आ जाती हैं। इस प्रकार की संरचना का विकास अब मृदा में पौधों की जड़ों में प्रवेश, मृदावातन एवं जल निकास या विकास पर निर्भर करता है। जो इस प्रकार की संरचना का विकास जो अमृदा होती है वो पौधों की जड़ों में प्रवेश कर मृदावातन एवं जल विकास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है स त्रिपाश सदृश प्रिज्मेटिक। इस संरचना में पेड्स की ऊर्ध्वाकार अक्ष 2 क्षैतिज अक्षों की अपेक्षा लंबे होती हैं। जो इस संरचना में कर्णपुंज होते हैं वो ऊर्ध्वाकार होते हैं, 2 क्षैतिज अक्षों की अपेक्षा लंबी होती हैं। ऊर्ध्वाकार भुजा तेज चमकदार पृष्ठों एवं चपटे किनारों वाली होती हैं। जो ऊर्ध्वाकार जो भुजा होती हैं वो तेज चमकदार पृष्ठों एवं चपटे किनारों वाली होती हैं। नेक्स्ट है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अवमृदाओं के संस्तरों में यह संरचना पाई जाती है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रिज्मीय, प्रिज्मीय और दूसरा है स्तंभी। प्रिज्मीय इस संरचना में प्रिज्म के शीर्ष समतल और भुजाएं तीव्र धार वाली होती हैं, तलवार के जैसी। प्रिज्म के जो शीर्ष होते हैं वो समतल होते हैं और भुजाएं तीव्र धार वाली होती हैं। कर्णपुंज की लंबाई 10 से 100 मिलीमीटर आकार के होते हैं जो कर्णपुंज होते हैं।
स्तंभ की यदि बात करें तो इसमें कर्णपुंजों के शीर्ष चौरस किनारे गोल टोपीनुमा आकार के होते हैं और कर्णपुंजों की जो आकार होता है वो होता है 10 से 100 मिलीमीटर आकार का होता है। प्लेट सदृश इस प्रकार की संरचना में कर्णपुंजों का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इस प्रकार की संरचना में कर्णपुंजों का जो क्षैतिज अक्ष जो ऊर्ध्वाधर होता है क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है तथा चपटे दबे हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णपुंजों की मोटाई के आधार पर इस संरचना के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्तरीय और दूसरा है प्लेटीय। स्तरीय संरचना के पेट्स की मोटाई लगभग 1 से 2 मिलीमीटर तक होती है और यह पतली और चिपकी हुई होती है। स्तरीय संरचना के कर्णपुंजों की मोटाई 1 से 2 मिलीमीटर तक होती है और यह पतली चिपकी हुई होती है। और प्लेटीय में इस संरचना में पेट्स की मोटाई लगभग 2 से 10 मिलीमीटर तक होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।